हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वीरा एंड आज हमारी वीडियो के टाइटल है कि जेल में इंसानों की जिंदगी कैसी होती है। सेकंड, जेल के अंदर रहने वाले कैदियों को कब और कितनी बार खाना दिया जाता है। थर्ड, क्या रियलिटी में जेल के अंदर एक दिन 12 घंटे का होता है। फोर्थ और आखिर, ऐसी कौन सी वजह है कि जज फांसी की सजा देने के बाद अपनी कलम को तोड़ देता है। लास्ट एंड फाइनल, फांसी के समय अंतिम इच्छा के वक्त गुनहगार की कौन कौन सी इच्छाएं पूरी की जाती है। फ्रेंड्स, जानेंगे आज हम इन सभी सवालों को। लेट्स बिगिन स्टार्ट वीडियो टाइटल लाइफ इन जेल। नंबर वन, जेल की जिंदगी। वैसे तो हर एक इंसान की इच्छा होती है कि वो अपनी लाइफ को एक खुशहाल तरीके से जिए, लेकिन किसी न किसी के जीवन में एक न एक तो ऐसी बाधा आई जाती है कि उसे जेल की हवा खानी पड़ती है। बट किसी के मन में ये सवाल नहीं आता होगा कि वो एक न एक दिन वो अपना जीवन जेल के अंदर जिए, क्योंकि जेल के अंदर की जो जिंदगी है वो एक नर्क से कम नहीं होती। वेल, जेल के अंदर कोई कैदी एक नॉर्मल इंसान की तरह लाइफ नहीं जी सकता। नंबर टू, जेल के अंदर का खाना। गाइस, वैसे देखा जाए तो जेल के अंदर का खाना काफी निगरानी से देखा जाता है ताकि किसी भी इंसान को किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो सके, क्योंकि जेल के अंदर जो हॉस्पिटल होते हैं वो काफी नॉर्मल होते हैं और इसीलिए खाने में नॉर्मल नमक और काफी कम मिर्च मसाले डाले जाते हैं। और रही बात खाने की, तो वो कैदियों को 3 वक्त दिया जाता है। सुबह का नाश्ता चाय, बिस्कुट, ब्रेड और कभी कभार दलिया भी दे दिया जाता है। दोपहर का लंच, जिसमें आपको 4 रोटी, थोड़ी दाल, थोड़े चावल और ना के बराबर सब्जी दी जाती है। नाइट का डिनर, इसमें भी बिल्कुल दोपहर की तरह प्रोसेस होता है। बस डिनर में चावल को हटाकर 2 रोटी बढ़ा दी जाती हैं और प्रत्येक दिन एक कैदी पर खाने का 52 से 53 रुपए खर्चा आता है। नंबर 3, जेल के अंदर का दिन। फ्रेंड्स, आपने काफी बार सुना हुआ कि जेल में एक दिन 12 घंटे का होता है, यानी 6 साल की सजा 3 साल में पूरी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल यहाँ भी नॉर्मल इंसानों की तरह एक दिन 24 घंटे का होता है, और जिसे इंसान को उम्र कैद की सजा सुना दी जाती है तो वो इंसान मरते दम तक जेल में रहता है। हाँ, वो बात अलग होती है कि किसी इंसान का व्यवहार काफी अच्छा हो जाता है, उस इंसान के व्यवहार को देखकर जेल प्रशासन 14 साल के बाद छोड़ने की मंजूरी दे देती है। हालांकि ऐसा किस्मत वाले लोगों के साथ ही होता है। नंबर 4, आखिरी इच्छा। अगर आप सोच रहे हैं कि आखिरी इच्छा के तौर पर जैसे मूवीज में दिखाया जाता है वैसे ही रियल लाइफ में होता है, तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि रियलिटी में इंसान को आखिरी इच्छा के तौर पर धार्मिक ग्रंथ पढ़ना और अपने परिवार से मिलना और सामान्य तरीके से कोई खाना खाना, सिर्फ इन्हीं इच्छाओं को पूरा किया जाता है। नंबर 5, जज का कलम तोड़ना। आपने अक्सर मूवीज में देखा होगा कि जज फांसी की सजा सुनाने के बाद अपनी कलम को तोड़ देता है। दरअसल ऐसा इसलिए होता है कि ये फैसला कैदी के प्रति जज का आखिरी फैसला होता है, यानी कलम टूटने के बाद जज चाहकर भी इस फैसले में कोई बदलाव नहीं कर सकता। नंबर 6, जेल की करेंसी। अगर नॉर्मल तरीके से देखा जाए तो कोई भी इंसान रियल करेंसी को जेल के अंदर नहीं ले जा सकता, क्योंकि जेल के अंदर कई दिग्गज कैदी होते हैं जो कि मन चाहे तब पैसों को छीन सकते हैं, और इसीलिए इन पैसों के बदले उस इंसान को जेल की टिकट दी जाती है, और इस टिकट को टिकट वाले इंसान के अलावा कोई भी इंसान यूज नहीं कर सकता। वेल फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वैसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।